गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम का और ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको जो है कंसेप्ट बताऊंगा एक्सरसाइज 1.2 का और बच्चों फिर उसके बाद एक्सरसाइज चालू करवाऊंगा क्लास 9 CBSE NCERT की बुक का। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे कोई चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और ये सफर बच्चों 9th से शुरू होकर के पूरा 12th तक जाता है। ठीक है बच्चों तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में मेरे पापा आपको CBSE NCERT क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th CBSE NCERT की बुक का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, टॉपिक क्या है हमारा? इरेशनल नंबर्स। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया था और बच्चों आपको बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों इरेशनल नंबर मैंने आपके लिए छोड़ दिया था बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सबका, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आया था हमारा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स इसका जो सिंबल था वो था बच्चों एन। फिर बच्चों इसके बाद था हमारा होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स और बच्चों इसका सिंबल था डब्ल्यू से। और बच्चों फिर उसके बाद आया था बच्चों हमारा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स और बच्चों इसको डिनोट करते हैं जेड से। और बच्चों फिर हमारा आया था रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स और बच्चों इसको डिनोट किया जाता है क्यू से। और बच्चों इसके बाद जो था वो था बच्चों हमारा इरेशनल नंबर्स और इसको डिनोट किया जाता है पी से। जरा इसको नोट कर लीजिए, इनके सिंबल भी इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार जब अगली क्लास में आप जाओगे तो बच्चों वहां पर ये सब नहीं लिखा होता है कि नेचुरल नंबर ये क्या होता है, डायरेक्ट सिंबल लिखा होता है, आपको पहचानना पड़ता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं ये हमारे आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, रियल नंबर्स वो है उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये इनकी जो है नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के बेस पे इनका जो है नाम रखा गया है। बच्चों एक एक मैं रिपीट करता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नंबर, ये नेचुरल नंबर होता है। बच्चों इस नेचुरल नंबर में आगे आप इस तरीके से बच्चों लगा दीजिए जीरो तो ये होल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर। बच्चों इसमें क्या करिए, आप जो है निगेटिव को भी इन्वॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, निगेटिव को भी, जैसे इसमें निगेटिव नहीं था तो ये बच्चों हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां तक आ गए, देखिए इसी तरीके से बदलता जा रहा, बढ़ता जा रहा। अब बच्चों रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों, जैसे ये लिखा 0, 1, 2 और इधर -1, -2 लिखा, इधर जा रहा है, इधर। तो बच्चों इनके बीच में जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर होता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चों रेशनल नंबर। जैसे फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यानी कि हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं, जहां पर क्यू हमारा जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और बच्चों ये इस तरीके से हम इसको जिसको लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है, यानी वो सारे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब बच्चों यहीं से इरेशनल नंबर की जो है शुरुआत होती है। बच्चों क्या होता है? वो सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, वो सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम कहते हैं
इरेशनल नंबर, सिंपल सी बात। और बच्चों ऐसे नंबर होते हैं, जिस तरीके से इनफाइनाइट नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, उसी तरीके से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं, तो बच्चों जरा मैं इसको बिगाड़ता हूं फिर मैं आपको बताता हूं डिटेल में। देखिए आपको आरडी शर्मा जी की बुक भी सॉल्व करनी है, आज आप नाइन्थ में आए हो, फिर टेंथ में भी जाओगे, फिर टेंथ के बाद इलेवन ट्वेल्थ में जाओगे, फिर उसके आगे आईआईटी में जाओगे या कहीं इसरो में जाओगे, कहीं पायलट बनोगे, कंप्यूटर पढ़ोगे, वहां पर बच्चों ये सब काम आता है। अभी हो सकता है आपको लगे कि ये क्या है, ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो बच्चों देखिए क्या होता है, हमारा क्या होता है बच्चों, हमने आपको बताया कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते, ठीक, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे नंबर कौन से होते हैं, तो बच्चों ऐसे बहुत से नंबर हैं जिनको हम नहीं लिख सकते। क्या होता है, जैसे बच्चों हमारे पास है रूट टू, सबसे पहला एग्जांपल रूट टू आता है बच्चों, इसको हम जब करेंगे तो 1.414527 ये कभी खत्म नहीं होगा, इस तरीके से बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। तो बच्चों जब खत्म ही नहीं होता है, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा इरेशनल है क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू हमारे पास नहीं आती, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से एक पाई है, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.142857312, इस तरीके से बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता, ये भी नेवर एंडिंग नंबर है, अगर आप इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा जो है हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं होता, डेसिमल नंबर ये कभी खत्म ही नहीं होता, जब वो जो खत्म नहीं होता तो बच्चों ये इरेशनल नंबर में आता है। और मैथमेटिक्स की दुनिया में ऐसे बहुत से नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, बाकी है ना आपकी बुक में भी डिटेल में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों अब आते हैं, आपको एक बात बताते हैं, जैसे हमने आपको एक बात बताई रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर सब कुछ आता है, सारे नंबर आते हैं बच्चों, उसमें इरेशनल नंबर भी आता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर एक बात यहां पे आती है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इरेशनल नंबर्स ठीक है कैन आल्सो बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन, जो हमारा नंबर लाइन था उसके ऊपर बच्चों हम इरेशनल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको पॉइंट बना सकते हैं कि यहां पर ये वाला इरेशनल नंबर आता है। रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसको हम जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो और इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, इरेशनल हो, जितने भी नंबर होते हैं वो हम रियल नंबर्स की नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं ये बच्चों अभी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो उसमें आएगा, तो वहीं पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो छोटी सी बात थी, ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट करूंगा इसको, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और इसके बाद बच्चों और भी नंबर के फॉर्म आते हैं वो भी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इतनी सी बात थी इसमें, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज 1.2 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये देखें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको दोनों चीज क्लियर होने चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। तो बच्चों इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होता है। ऐसे नंबर होते हैं बच्चों रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, पाई, 1.110, 1110, 1110, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये सब जो है इस टाइप के नंबर्स हमारे होते हैं जो है इरेशनल नंबर।
और बच्चों रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है सारे नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स ठीक है, ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी ड्रॉन या शो रिप्रेजेंट कुछ भी कह दीजिए ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। अब नंबर लाइन जैसे हमने ये बना दी, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, और बच्चों इधर हो गया माइनस वन, इधर हो गया माइनस टू, इधर हो गया माइनस थ्री, इधर हो गया माइनस फोर, ठीक है बच्चों। अब इनके बीच में और भी नंबर आ रहे होंगे तमाम, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर आ गया और इरेशनल नंबर भी आता है। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें दुनिया के सारे नंबर आते हैं, ठीक है, उसमें इरेशनल नंबर भी होता है। तो बच्चों पहले लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर, ये बच्चों सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। तो बच्चों इसके आगे लिख दीजिए ट्रू, ठीक है बच्चों, खत्म हो गई कहानी, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ठीक है, सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का उसको देखते हैं। तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ हमारा, उसमें लिखा है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर रूट एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है बच्चों सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, ये क्रिटिकल होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा हो बच्चों। अब फिर उन्होंने कहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, अब बच्चों नंबर लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी, इसके सारे पॉइंट बनाए, तो इधर माइनस वन आ गया, इधर वन आ गया, इधर माइनस टू हो गया, इधर माइनस टू हो गया, इधर प्लस टू हो गया, बच्चों देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों एवरी पॉइंट का मतलब ये भी हुआ, निगेटिव भी हुआ, पॉजिटिव भी हुआ, निगेटिव हुआ, और इनके बीच में भी हो गया जो कि फ्रैक्शन आएगा। तो बच्चों ये जो बात कही जा रही है कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर रूट एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां पर रूट एम जो है वो हमारा जो है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, मैंने गलत लिख गया, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो बच्चों 1, 2, 3 हुआ, तो सारे नंबर को हम इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते रूट एम के फॉर्म में। दूसरी बात ये बच्चों कि नंबर लाइन पे हमारा निगेटिव भी आता है और निगेटिव का अंडर रूट बच्चों हम ले ही नहीं सकते। तो बच्चों इस तरीके से ये कहानी हमारी गलत है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है, ये पूरी तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको आप जो है फॉल्स नोट कर लीजिए। अब बच्चों आइए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसमें बच्चों आ गया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, ये आपको पता है, बल्कि रियल नंबर ना लिख करके ये ऑल रियल नंबर, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब बच्चों यहां पे आ गया जीरो, यहां आ गया वन, यहां आ गया टू, यहां आ गया माइनस वन, यहां आ गया माइनस टू, यहां आ गया माइनस थ्री, और बच्चों यहां आ गया थ्री, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जितने भी हमारे जो नजर आ रहे हैं ये इंटीजर है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो बच्चों इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर, वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं, ठीक है, रियल नंबर में आते हैं। बच्चों इरेशनल नंबर भी उसका एक पार्ट है। तो बच्चों क्या हुआ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि रियल नंबर में देखिए, रियल नंबर में हमारे क्या होता है, देखिए हमारा आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे तरीके के नंबर होते हैं, ये रियल नंबर्स में आते हैं। तो बच्चों सिर्फ
इरेशनल नंबर होगा ये नहीं कहा सकता, इसमें से कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, और इसमें जो पूछा गया वो देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, जब मैंने आपको इरेशनल नंबर बताया था तो बच्चों उसमें एग्जांपल दिया था कि रूट 2 हमारा इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 7 इरेशनल है। ठीक है, इस तरीके से बताया था, और भी बताया था, उसमें रूट वाले ज्यादा थे। तो बच्चों क्या हुआ, उसमें क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या सारे, ये देखिए 5, 7, 3, 2 इस तरीके से बच्चों ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ, क्या सारे के सारे पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं उनका अंडर रूट इरेशनल होता है, और यदि होता है तो ठीक है, और नहीं होता तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सारे का जो है स्क्वायर रूट वो इरेशनल नहीं होता। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखिए, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल, ये सारा का सारा इरेशनल नहीं होता है, ये इसका आंसर है। जैसे लिखा है ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, नहीं नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जांपल दे रहा है बच्चों, देखिए ये है 2, ये है 3, ये है बच्चों 5, इसके बीच में देखिए क्या छूटा है 4, और 4 का रूट होगा बच्चों ±2, यानी इसकी वैल्यू हो गई +2 और ये -2, और ये बच्चों हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है। ऐसे बच्चों रूट 9 का निकालेंगे तो उसका आएगा ±3, तो बच्चों +3, -3 बच्चों ये रेशनल नंबर है। ऐसे बहुत से नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट परफेक्टली निकल आएगा, और बच्चों जिसका परफेक्टली स्क्वायर रूट निकल आता वो हमारा रेशनल नंबर होता है, जिसका नहीं निकल पाता और दशमलव के बाद जो है इनफाइनाइट तक हो जाता है वो हमारा इरेशनल होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो बच्चों इसमें पूछा गया है सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब बच्चों यहां पर कहानी आती है कि रूट 5 जो है वो बच्चों 2.23 कुछ इस टाइप से ऐसे आ करके आएगा, आगे की तक जाएगा, पता नहीं क्या आएगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, कहां पे जाके रुकेगा ये भी हमको नहीं पता। ठीक, तो बच्चों ये हमारा हुआ एक इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हुआ। अब बच्चों यहां से कहानी ये पैदा होती है कि जब हमको ये पता ही नहीं कि कहां रुक रहा है तो हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करेंगे, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता। तो बच्चों यहां पे काम आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या काम आता है, नोट करिए इसको, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है थ्योरम। अब बच्चों देखिए क्या होता है इसमें, बच्चों देखिए ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, आपने अगर 8वीं में पढ़ा है तो अच्छी बात है। और बच्चों सपोज करिए ये ए बी सी इस तरीके से हो गया, ये बच्चों हो गया हमारा बेस, ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर, और ये हो गया बच्चों इसका हाइपोटेन्यूज, और बच्चों ये 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, वो बच्चों हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर हम जो है हाइपोटेन्यूज को ले करके आते हैं, और देखिए किस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, हमको लाना है रूट फाइव को लाना है। बच्चों अगर हम बेस को 1 ले लें और इसको 2 ले लें तो देखिए क्या होगा,
देश को हमने वन लिया, ये हो गया वन स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हमने टू लिया, ये हो गया टू स्क्वायर। तो बच्चों ये हाइपोटनीज हो गया, हाइपोटनीज का स्क्वायर इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ वन, ये हुआ फोर, और ये बच्चों हाइपोटनीज है हमारा ए सी, तो ये हमारा हो गया ए सी का स्क्वायर। और बच्चों ये आया ए सी का स्क्वायर बराबर फाइव, यानी ए सी बराबर हो जाएगा हमारा रूट फाइव, इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि यहां पर हाइपोटनीज हो गया बच्चों रूट फाइव, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एग्जैक्टली हम कैलकुलेशन से तो नहीं निकाल सकते रूट फाइव की वैल्यू, बात तो सही है, लेकिन बच्चों मेजरमेंट से हम निकाल सकते हैं। मतलब हमने क्या किया कि एक लाइन ऐसे वन खींच दी, वन सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए, एक यहां पर इस तरीके से टू सेंटीमीटर खींच दी, फिर बच्चों हमने जब इसको ऐसे मिला दिया तो बच्चों ये रूट फाइव अपने आप हो गया। और बच्चों इसी टेक्निक से जो है हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे रूट फाइव को। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। एक लाइन हम वन सेंटीमीटर की ऐसे खींच देंगे, एक टू सेंटीमीटर की ऐसे खींच देंगे, बच्चों ये जो मिलाने वाली लाइन होगी ये होगी हमारी रूट फाइव की। अब बच्चों देखिए इस काम को हम कैसे यूज करते हैं जो है नंबर लाइन पे रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आपकी बुक में खूब एग्जाम्पल दे रखे हैं इस चीज को करने के लिए, और बच्चों खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर जो है आपके लिए काम खेल हो जाएगा। तो बच्चों चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हम ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया बच्चों टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया बच्चों माइनस वन, ये हो गया माइनस टू, इस तरीके से हो गया। बच्चों देखिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी है वन, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अब बच्चों ये डिस्टेंस टू है, तो बच्चों इतना ही हम यहां पे ऐसे यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर हमने ऐसे जो है यहां पर देखिए ऐसे तरीके से हमने यहां पे ड्रॉ कर ली, ये डिस्टेंस टू है, और इस पॉइंट को बच्चों हम सी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब फिर देखिए हम ए और सी को इस तरीके से यहां पे मिला देते हैं, ये देखिए ए और सी को हमने यहां पे मिला दिया। तो देखिए ये ए बी सी है, तो यहां देखिए ए बी हमारा हो गया वन, और बच्चों बी सी हो गया टू। ये बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो ए बी है वन, बी सी है टू स्क्वायर, और बच्चों ए सी स्क्वायर हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आया वन स्क्वायर, यह है वन प्लस फोर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, यानी कि ए सी इज इक्वल टू रूट फाइव, ये आ गया। यानी कि ये अपने आप ही रूट फाइव का मेजरमेंट हमें दे देगा। बच्चों ये बात सही है कि अगर रूट फाइव का हम कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बना करके पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट किसकी आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों रूट फाइव की। अब देखिए क्या करेंगे, कंपास लेंगे यहां पे, ऐसे हमने कंपास लिया, ठीक है, और ऐसे करके घुमाएंगे। तो बच्चों क्या होगा, देखिए ये हमारा रूट फाइव मेजरमेंट में आ गया। अब बच्चों हम इसको ऐसे 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 करके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हमको कटिंग मिलेगा, और बच्चों ये रूट फाइव की एग्जैक्ट पोजिशन होगी जो कि नंबर लाइन पे हमारी ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम ड्रॉ करते हैं उन सारे जो है इरेशनल नंबर को जो हमारे कैलकुलेट होकर के फाइनल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, और इसमें हमको एक स्पाइरल बनाना है जो हमारा जो है स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है बच्चों, ये हमको बनाना है। तो बच्चों देखिए हम लेंगे एक पेपर, पेपर को बच्चों क्या करेंगे इस तरीके से हमने ले लिया, सपोज करिए ये हमने पर्टिकुलर मेजरमेंट ले लिया ए, ठीक है, ये हमने ले लिया। और बच्चों अब हम इसमें ए ऐसे और जो है 90 डिग्री पे हम जो है इसको ऐसे जो है ए इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो आएगा मेजरमेंट ये आ जाएगा ए रूट टू, देखिए ये भी ए हो गया, ये भी ए रूट टू आ जाएगा ये पाइथागोरस थ्योरम से। फिर बच्चों इसके ठीक है इससे हम 90 डिग्री पे फिर जो है ए और ऐसे कर देंगे, ठीक है, कागज को हमने फिर ऐसे मोड़ दिया इसके 90 डिग्री पे, ठीक है। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से ये देखिए 90 है, ये भी 90 है,
बच्चों पहले स्टेप में क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको मान ले ए और इसको मान ले बी, तो बच्चों देखिए क्या हो गया, ये हो गया बच्चों ए बी स्क्वायर। यानी कि बच्चों यहां पर ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी टू ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आ जाएगा ए रूट टू। देखिए ये ए बी आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस ए बी से बच्चों हमने जो है एक सी यहां किया और बच्चों अब हम इस ए सी को निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये होगा बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर ये आएगा। अब देखिए ए बी हमारा क्या है, ये है ए रूट टू का स्क्वायर प्लस बच्चों बी सी हमारा क्या है, वो है बच्चों ए स्क्वायर। ठीक है, और ए सी हमने स्क्वायर से लिख दिया। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बच्चों टू ए स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बच्चों ए सी स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया थ्री ए स्क्वायर बराबर ये आ गया ए सी स्क्वायर। तो बच्चों जो ए सी आ गया हमारा, ए सी आ गया वो बच्चों आया ए रूट थ्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आया ए रूट टू, ये आया बच्चों ए रूट थ्री। अब देखिए बच्चों हम इस वाले से ए सी से 90 डिग्री पे एक और इस तरीके से जो है कुछ बढ़ा देते हैं, जिस चीज से हम बना रहे थे ये भी ए है और बच्चों इसको हमने सपोज कर लिया ये डी है और फिर हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब बच्चों इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे, इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहां पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो बच्चों ए सी स्क्वायर आया है हमारा ए रूट थ्री का स्क्वायर और डी सी है बच्चों ए स्क्वायर और ए सी नहीं सॉरी यहाँ ए डी होगा। तो बच्चों ये हो गया ए डी स्क्वायर ये वाला। तो बच्चों ए डी की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आएगी कैलकुलेट करने के बाद। तो देखिए हो गया थ्री ए स्क्वायर प्लस जो है ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ए डी स्क्वायर हो गया, ये हो गया फोर ए स्क्वायर और बच्चों ए डी जो आया वो आया बच्चों ए रूट फोर। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये आ गया हमारा ए रूट फोर। ठीक, ये आ गया। तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ये डिस्टेंस पहले ए आई, फिर ए रूट टू आई, फिर ए रूट थ्री आई, फिर ए रूट फोर आई। तो बच्चों एक सीक्वेंस देखें तो बच्चों हमारे पास ऐसे बन रही, ए रूट वन कॉमा ए रूट टू कॉमा ए रूट थ्री कॉमा ए रूट फोर और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, रूट में इंक्रीज हो रहा है बच्चों और स्क्वायर रूट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट में नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट में इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों ये जो हमारा हुआ कंस्ट्रक्शन, अगर हम इसको देख लें, ये हमारा एक स्पाइरल बन रहा है और चूंकि ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के इसको मोड़ते चले जाइए तो ये जो मेजरमेंट होगी हमारी स्क्वायर रूट में बढ़ेगी। ठीक है, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फोर और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। बच्चों अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी की मैथ की बुक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।